सरकारी कर्मियों के अजब गजब कारनामे, पत्नी की जगह पति करते हैं ड्यूटी। कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के कुरियाल पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिवपुर की प्रधानाध्यापिका मीना खातून है, पर उनकी जगह उनके पति मोहम्मद विद्यालय संचालन करते हैं। दोपहर के भोजन से लेकर स्कूल के रजिस्टर और ऑफिस तक को संभालते हैं। अब ऐसे में स्कूल में मध्याह्न भोजन और पढ़ाई की क्या गुणवत्ता होगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। हैरत इस बात की है कि ये सब कुछ एक लंबे समय से चल रहा है, पर जिले में बैठे सुशासन के तारनहारों को कानों कान इसकी खबर तक नहीं। जब कटिहार से IBTV के संवाददाता रतन कुमार ने इस विषय पर सवाल किया तो उन सवालों के जवाब भी अजीबोगरीब मिले। स्कूल में बैठे हेडमास्टर साहिबा के पति से पूछा कि स्कूल में वो क्या कर रहे हैं, तो जवाब भी ऐसा मिला कि जिले में बैठे अधिकारियों का भी मन और मिजाज खराब हो जाएगा। हेडमास्टर साहिबा के पति ने कहा कि अब स्कूल नहीं आएंगे, आपको जो छापना है छाप दीजिए। उसके बाद जनाब भागते रहे और हमारे संवाददाता सवाल करते रहे। ऐसे में बिहार में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा की गुणवत्ता पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर लंबे समय से कैसे प्रधानाध्यापिका के पति अपनी पत्नी की जगह स्कूल संभालते रहे और जिले के पदाधिकारियों को इसकी खबर तक नहीं। देखिए, अभी जानकारी मिली है या सरासर अनियमितता है, गैर कानूनी है। मैं अभी जिला पदाधिकारी जी को निर्देश दूंगा कि वो जांच करके कार्रवाई करें। यह बिल्कुल ही गलत परंपरा है और इस तरह के शिक्षकों को पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। फिलहाल जब इस बाबत बिहार के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBTV पटना।